प्यारे बच्चे चलिए आइए चलते हैं हम लोग फिर से केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री सब्जेक्ट, जैसा कि आप जानते हैं पिछले क्लास में पिछले वीडियोस में हम लोग पढ़ रहे थे कि वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में क्या डिफरेंस थे, आपको लिखने के लिए भी बोले थे। तो चलिए वहां तक के करने के बाद आगे का जो टॉपिक्स है कोलाइडी अवस्था का वर्गीकरण। प्यारे छात्रों हम लोग ये सीखे भी है कि कोलाइडी विलयन को सोल भी कहा जाता है, ठीक है, और वास्तविक विलयन को सिर्फ विलयन भी कहा जाता है। तो कोलाइडी विलयन को जब हम लोग सोल बोल सकते हैं तो अब वो सोल कितने प्रकार के होते हैं उनका वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब टाइप, कितने तरह का टाइप के होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए टॉपिक बनाएंगे कोलाइडी अवस्था का वर्गीकरण। अब कोलाइडी अवस्था का वर्गीकरण में फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे ठोस कोमा द्रव और गैस, ठोस कोमा द्रव और गैस से संबंधित, ठोस कोमा द्रव और गैस से संबंधित कोलाइडी विलयन या सोल, क्योंकि कोलाइडी विलयन को ही सोल कहते हैं, कोलाइडी विलयन या सोल निम्नलिखित आठ प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित आठ प्रकार के होते हैं। तो ये फर्स्ट एरो है। चलिए तो अभी हम लोग फर्स्ट एरो में ये लिखे कि कोलाइडी अवस्था का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया है, आठ भागों में किया गया है। यूं बोले तो इसको सोल भी कहते हैं, कोलाइडी विलयन को सोल भी कहा जाता है, और ये सोल कितने प्रकार के होते हैं, आठ प्रकार के। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि कोलाइडी विलयन जो कोलाइडी अवस्था है वो आठ प्रकार के कौन कौन से होते हैं। चलिए प्यारे बच्चे तो यही है वो आठ तरह का सोल जिसके बारे में भी हम लोग पढ़े, यानी कि ये वही आठ तरह का सोल है जो भी हम लोग पढ़े ना कि कोलाइडी अवस्था का जो वर्गीकरण होता है या सोल जो होता है आठ तरह का होता है। देखिए एक तरफ जो फिगर बना है एक तरफ, उसके नीचे यही आपको टेबल बना लेना है जो एरो देकर लिखे हैं उसके नीचे, एक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एक तरफ लिखा हुआ प्यारे बच्चों परिक्षेपण माध्यम, फिर लिखा होगा नेक्स्ट में परिक्षिप्त परावस्था, और इसका कुछ एग्जांपल, जैसा कि प्यारे बच्चे आप बिलियन चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़े हैं वहां पे एक तरफ होता था विलायक और एक तरफ होता था विलेय, और फिर हम लोग उसका उदाहरण देखे थे, आपको याद होगा कि विलेय का मतलब ये होता है कि जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाता है किसी भी बिलियन में, और किसी भी बिलियन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक कहलाता है। तो ये चीज जानते होंगे। यहां पे कोलाइडी अवस्था में उसी का नाम बदलकर प्यारे बच्चों परिक्षेपण माध्यम लिखा गया है और एक का परिक्षिप्त परावस्था लिखा गया है, देख पा रहे होंगे। तो परिक्षिप्त परावस्था का मतलब समझना है प्यारे बच्चे कि ये क्या है, एक तरह का विलेय का काम कर रहा है, और परिक्षेपण माध्यम का प्यारे बच्चे इसका मतलब हो रहा है विलायक का मतलब, ये हुआ इसका मतलब क्या हुआ, विलायक। तो प्यारे बच्चे परिक्षेपण माध्यम एक तरफ है और एक तरफ पर परिक्षिप्त परावस्था है। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि परिक्षेपण माध्यम है और कैसे समझेंगे कि परिक्षिप्त परावस्था है। कोलाइडी कणों में यानी कि कोलाइडी विलयन में अगर जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको हम लोग बोलेंगे परिक्षेपण माध्यम, और कोलाइडी विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसी को परिक्षिप्त परावस्था कहते हैं। यानी कि प्यारे बच्चे परिक्षिप्त परावस्था एक तरह का विलेय हुआ और परिक्षेपण माध्यम एक तरह का विलायक हुआ। जैसा कि आठ तरह का देख पा रहे होंगे, अगर गैस में द्रव को का विलयन बनाया जाए कि द्रव कम हो और गैस ज्यादा हो, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो बादल का एग्जांपल होता है कुहासा। जी हाँ कुहासा देखते होंगे, तो कुहासा में क्या होता है, जल का वाष्प होती है, द्रव होती है, लेकिन वो गैस में टंगा हुआ रहता है, यानी कि गैस में वो घुला मिला रहता है, यानी कि गैस में द्रव का कोलाइडी विलयन हो गया, उसका एग्जांपल बादल और कुहासा। फिर है गैस में ठोस का, तो जी हाँ बहुत सारा अगर हवा रहेगा गैस रहेगा उसमें ठोस यानी धूल का छोटा छोटा कण, तो एक धुआं बनेगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे इधर है कि इसका किसका एग्जांपल हो सकता है।
फिर द्रव का गैस में, अगर गैस को द्रव, अगर बहुत बड़ा मात्रा में द्रव रहेगा उसमें आपको गैस देना है तो क्या उत्पन्न होगा, झाग, बुलबुला उत्पन्न होंगे। जैसे मान लिया कि इसको एक बाल्टी में पानी को रख लीजिए और उसमें पाइप के सहारे से उसमें गैस दीजिए तो क्या उत्पन्न होगा, झाग उत्पन्न होगा। फिर है द्रव अगर का मात्रा ज्यादा रहेगा, यानी कि परिक्षेपण माध्यम में द्रव रहे और परिक्षेपित प्रावस्था में भी द्रव रहे, तब ये एग्जाम्पल होता है पायस, जैसे कि दूध, दूध में, दूध एक तरह का पायस है जिसमें द्रव में द्रव का वो मिश्रण है, जैसे वाटर एंड इसमें दूध, तो चाह के भी दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं अगर मिल गया तो, यानी कि ये हुआ द्रव में द्रव का एग्जाम्पल। फिर है द्रव में ठोस का, द्रव में ठोस कहने का मतलब द्रव का मात्रा ज्यादा हो, ठोस की मात्रा कम हो, तो उसका एग्जाम्पल स्टार्च और प्रोटीन है प्यारे बच्चों। फिर है ठोस में गैस का, अधिशोषित गैस, अधिशोषित का मतलब क्या, अधिशोषण का मतलब उसके सतह पर चिपक जाना, तो वो एग्जाम्पल हो गया ठोस में गैस का। फिर है ठोस में द्रव का, वो एग्जाम्पल हुआ जेल, जो हम लोग बाल में सेटिवेट करने के लिए लगाते हैं वो जेल, एग्जाम्पल किसमें हुआ, ठोस में द्रव का। फिर है ठोस में ठोस का, तो ये मिश्र धातु, हालांकि ये जो टेबल है ना हम लोग फिर एक बार पहले बना चुके हैं, बशर्ते वहां था विलेय और विलायक, तो एक नाम चेंज हो गया है, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था। अब अच्छा से इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद इस टेबल के नीचे एरो देंगे, मतलब टॉपिक वही है, बशर्ते टेबल बनाए, टेबल के नीचे फिर से एरो देंगे, इसको बनाने के नीचे लिखा जाए कोलाइडी पदार्थों को मुख्यतः, कोलाइडी पदार्थों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, कोलाइडी पदार्थों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, पहला लायोफोबिक, नाम नया सुन रहे होंगे, और दूसरा लायोफिलिक। इसको हम लोग द्रव विरोधी के नाम से भी जानते हैं, द्रव विरोधी, और इसको नाम से जानते हैं द्रव अस्नेही, द्रव अस्नेही। तो एक का नाम है द्रव विरोधी और एक का नाम है द्रव अस्नेही, यानी कि कोलाइडी पदार्थ के जो मुख्यतः भाग होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक का नाम है लायोफोबिक और एक का नाम है लायोफिलिक। तो आपको समझना है कि सर कैसे पता चलेगा कि ये दो प्रकार का है, ये आठ प्रकार का है, कैसे पता चलेगा, तो इसको पता करने के लिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कोलाइडी अगर अवस्था रहेगा, ध्यान दीजिएगा, कोलाइडी अगर अवस्था रहेगा तब वो आठ प्रकार का होता है, लेकिन कोलाइडी पदार्थ अगर रहा, पदार्थ अलग है उसकी अवस्था अलग है, हम उसके ऊपर लिखे हैं कोलाइडी अवस्था का वर्गीकरण, तो कोलाइडी अवस्था वो आठ तरह का होता है, उसका सोल जो है आठ तरह से बनता है, लेकिन कोलाइडी अगर पदार्थ के बारे में बोले तो कोलाइडी पदार्थ दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक का नाम है लायोफोबिक और एक का नाम है लायोफिलिक, इसी का दूसरा नाम है द्रव विरोधी और इसका दूसरा नाम होता है द्रव अस्नेही, यानी कि इस नाम से भी पुकारते हैं या लायोफिलिक भी कहते हैं। और ये दोनों पार्ट्स प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वीवीआई है, यानी कि अक्सर ये पूछता है, लगभग एवरेज माने तो हर साल पूछ ही देता है कि लायोफोबिक और लायोफिलिक में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर लायोफोबिक सोल या लायोफोबिक पदार्थ, कोलाइडी पदार्थ से आप क्या समझते हैं, लायोफिलिक क्या है। तो चलिए इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग अलग अलग टॉपिक करेंगे। अब टॉपिक बनाइए लायोफोबिक के नीचे एरो देंगे, लिखा जाए लायोफोबिक के नीचे एरो देकर लिखेंगे, लायोफोबिक कोलाइड पदार्थ वे पदार्थ होते हैं
लायोफोबिक कोलाइड पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके परिक्षिप्त प्रावस्था के कण काफी छोटे होते हैं और इन्हें आसानी से कोलाइडी अवस्था में परिणत नहीं किया जा सकता है। परिणत का मतलब बांटा नहीं जा सकता है, अब लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक लायोफिलिक, उसमें लिखेंगे लायोफिलिक कोलाइड पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके परिक्षिप्त प्रावस्था के कण काफी बड़े होते हैं और ये आसानी से कोलाइडी अवस्था में परिणत हो जाते हैं चलिए अब बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा अंतर प्यारे छात्रों, लायोफोबिक और लायोफिलिक में क्या डिफरेंस है या फिर क्या डेफिनेशन है। तो सबसे पहले इसमें जो अंतर है, पहला बात लिखिएगा कि इसमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण है, परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब प्यारे छात्रों क्या हुआ, विलेय का कण। याद रखिएगा कि लायोफोबिक में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण जो होते हैं काफी छोटे होते हैं और इतना छोटे होते हैं कि इनको बांटा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो अदृश्य भी हो सकते हैं। जो जो दिखेगा, जो आपको जनरल लाइफ में जो दिखती है, उसी को ना हम लोग कुछ बोल सकते हैं, कुछ अलग अलग बांट सकते हैं। तो प्यारे छात्रों ये समझिए कि लायोफोबिक सॉल में लायोफोबिक पदार्थ वे पदार्थ कोलाइडी पदार्थ वे होते हैं जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण बहुत छोटे होते हैं, इसके कारण हम उसको परिणत नहीं कर सकते हैं, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको बांट नहीं सकते। लेकिन इसका उल्टा लायोफिलिक का बात करें तो वे कोलाइडी पदार्थ होते हैं लायोफिलिक जिन्हें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण बड़े होते हैं और उनको आसानी से विभक्त किया जा सकता है, अलग अलग कोलाइडी अवस्था के साथ उनको बांटा जा सकता है। तो सबसे पहला तो ये आपको याद रखना होगा कि लायोफिलिक सोल यानी कि लायोफिलिक क्या है, लायोफोबिक क्या है। तो बस एक ही अंतर, एक का डेफिनेशन याद रखिएगा तो दूसरा ऑलरेडी याद हो जाएगा। लायोफोबिक में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण छोटी होती है, लायोफिलिक में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण बड़ी होती है। इसे कोलाइडी अवस्था के साथ बांटा नहीं जा सकता है, इसके कोलाइडी अवस्था के साथ बांटा जा सकता है क्योंकि ये बड़े होते हैं। इतना चीज लिखने के बाद अब सबसे हम लोग वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट पहुंचते हैं, क्योंकि ये दोनों तो इंपोर्टेंट है ही है, और इससे इंपोर्टेंट, इससे ज्यादा इंपोर्टेंट अब जो टॉपिक आ रहा है वो है, क्योंकि ये अक्सर पूछता है, लायोफोबिक सोल और लायोफिलिक में अंतर, ये इंपोर्टेंट है। लायोफोबिक और लायोफिलिक सोल में अंतर, सोल मतलब कोलाइडी विलेय में अंतर, यानी कि लायोफोबिक और लायोफिलिक में क्या अंतर है। तो ये मेरा टॉपिक है और इसको बना लेना है वीवीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ लिखेंगे लायोफोबिक
और एक तरफ लिखेंगे लायोफिलिक, ठीक है, एक तरफ लायोफोबिक और एक तरफ लायोफिलिक। अब इसमें फर्स्ट लिखेंगे अंतर तो इसमें पहला अंतर लिखेंगे, इसमें दूसरा तो इसमें दूसरा, ऐसे करके हम लोग दोनों में अंतर लिखेंगे। तो चलिए लिखा जाए, पहला अंतर लायोफोबिक सोल में पहला लिखेंगे, इनके परिक्षिप्त परावस्था के कण, लायोफोबिक में इनके परिक्षिप्त परावस्था के कण काफी छोटे होते हैं, काफी छोटे होते हैं, इसमें लिखेंगे काफी छोटे होते हैं। और लायोफिलिक में अब लिखेंगे, इनके परिक्षिप्त परावस्था के कण, इनके परिक्षिप्त परावस्था के कण बड़े होते हैं। फिर लिखिएगा दूसरा, इसे कोलाइडी अवस्था के साथ, कोलाइडी अवस्था के साथ परिणत नहीं किया जा सकता है। और इसमें लिखिएगा, इसे कोलाइडी अवस्था के साथ परिणत किया जा सकता है, परिणत किया जा सकता है। फिर लिखिएगा तीसरा में, इन्हें अप्रत्यक्ष विधि द्वारा तैयार किया जाता है, इसे या इन्हें अप्रत्यक्ष विधि, बताते हैं क्या है, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा तैयार किया जाता है। जबकि इसमें लिखेंगे तीसरा में, इसे विलयन तैयार करके किया जाता है, इसे विलयन तैयार करके, विलयन तैयार करके किया जाता है। फिर लिखिएगा चौथा, ये अस्थाई होते हैं, ये अस्थाई होते हैं। और इसमें लिखिएगा, ये अस्थाई होते हैं, ये अस्थाई होते हैं। फिर लिखिएगा, इनके सोल, सोल मतलब कोलाइडी विलयन, रंगीन होते हैं, रंगीन। और इसमें लिखिएगा पांचवा अंतर, इनके सोल रंगहीन होते हैं, रंगहीन, याद रखिएगा यहां पर रंगहीन है, इनके सोल रंगहीन होते हैं। चलिए तो प्यारे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमें, लायोफोबिक और लायोफिलिक सोल में अंतर। ये बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन में, कई बार आ चुका है, तो इस चीज को आपको ईमानदारी पूर्वक अच्छे तरीके से ढंग से इसको याद कर लेना है। पहला क्या, किसमें परिक्षिपित प्रावस्था के कण छोटी होती है, इसमें बड़ी होती है, इनको परिणत नहीं किया जा सकता है कोलाइडी अवस्था के साथ, जबकि इनको परिणत किया जा सकता है, मतलब बांटा जा सकता है। ये अप्रत्यक्ष विधि द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है बिल्कुल लॉजिकली, लॉजिकली का मतलब कि हमको कितना मात्रा में क्या मिलाना है उसके लिए फिक्स अमाउंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि कितना भी डाल दो भाई वो बिलियन तैयार होके निकल जाएगा। यानी कि लायोफोबिक जो सोल है वो एक अप्रत्यक्ष विधि द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि लायोफिलिक जो है उसको बिलियन तैयार करके किया जाता है। यानी सबसे पहले बिलियन बनाया जाता है, तब वो हमें उससे प्राप्त होता है लायोफिलिक, जबकि यह अप्रत्यक्ष विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये अस्थाई होते हैं, अस्थाई का मतलब कोई फिक्स जगह पे स्टॉप नहीं रह सकते हैं, हमेशा मूवमेंट करते रह सकते हैं, हमेशा गतिशील होते हैं इनके कण। यानी जो लायोफोबिक होते हैं वो हमेशा अस्थाई होते हैं, गतिशील होते हैं, लेकिन लायोफिलिक सोल के जो कण हैं वो अस्थाई होते हैं, एक स्थान पे टिके रह सकते हैं, लेकिन लायोफोबिक में ऐसा नहीं। लायोफोबिक में अस्थाई का मतलब इनके कण जो है गतिशील होते हैं, जबकि इनके कण गतिशील नहीं होते हैं, मतलब अस्थाई होते हैं। फिर है इनके सोल रंगीन और इनके सोल रंगहीन। देखिए रंगीन और रंगहीन में दोनों में अंतर है प्यारे बच्चे।
रंगीन का मतलब होता है कलरफुल, अलग अलग तरह का, व्हाइट, अलग अलग तरह के इनके रंग हो सकते हैं। इनका जो बिलियन तैयार किया जाता है अलग अलग तरीके से हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, ब्लैक, रेड, भूरा, काला, नीला, कुछ भी, लेकिन इनका जो है रंगहीन होता है। रंगहीन का मतलब उसको देखेंगे, लायोफिलिक सोल को देखेंगे तो उसको कोई कलर पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो पानी का कोई कलर है नहीं, डिसकलर उसको माना जाता है, रंगहीन है, उसका कोई रंग नहीं है। हवा, हवा किस रंग का है, नहीं दिखाई देता है, ये भी रंगहीन है। हम लोग हवा को महसूस कर सकते हैं। वैसे ही प्यारे बच्चे, रंगहीन का मतलब है कोई कलर नहीं होता है, और रंगहीन का मतलब उसमें कोई ना कोई कलर हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक को खत्म किया आज, लायोफोबिक और लायोफिलिक सोल में अंतर। चलिए उसके बाद हम लोग टॉपिक देंगे, आगे लिखेंगे कोलाइडी विलयन तैयार करने की विधियां, टॉपिक बनाएंगे कोलाइडी विलयन तैयार करने की विधियां, कोलाइडी विलयन तैयार करने की विधियां। उसके नीचे एरो लेंगे, लिखेंगे उसके नीचे एरो देकर कोलाइडी विलयन तैयार करने की मुख्यतः दो विधियां हैं। कोलाइडी विलयन तैयार करने की मुख्यतः दो विधियां हैं। पहला संघनन विधि और दूसरा परिक्षेपण विधि। प्यारे बच्चे देखिए, अब हम लोग क्या तैयार करने वाले हैं, कोलाइडी विलयन। और कोलाइडी विलयन जो तैयार करने वाले हैं, कोलाइडी विलयन को तैयार करने कुछ मेथड है, कुछ विधि है। तो इसको तैयार करने के लिए हम लोग दो विधि का यूज करेंगे, जिसका नाम है संघनन विधि और दूसरा का नाम है परिक्षेपण विधि। तो अब संघनन विधि क्या है, परिक्षेपण विधि क्या है, इसको हम लोग डीपली देखेंगे अगले की क्लास में, आगे की क्लास में। आज की क्लास को यहीं तक स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं आगे अगले दिन। धन्यवाद।